हमारे प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको सुनाएंगे साईं बाबा व्रत कथा। कोकिला बहन और उनके पति महेश भाई शहर में रहते थे। दोनों को एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव था, परंतु महेश भाई का स्वभाव झगड़ालू था। अड़ोसी पड़ोसी उनके स्वभाव से परेशान थे, लेकिन कोकिला बहन बहुत ही धार्मिक स्त्री थी। भगवान पर विश्वास रखती और बिना कुछ कहे सब कुछ सह लेती। धीरे धीरे उनके पति का धंधा रोजगार ठप हो गया, कुछ भी कमाई नहीं होती थी। महेश भाई अब दिन भर घर पर ही रहते थे और उन्होंने गलत राह पकड़ लिया था। अब उनका स्वभाव पहले से भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया था। दोपहर का समय था, एक वृद्ध महाराज दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर गजब का तेज था। फिर उन्होंने दाल चावल की मांग की। कोकिला बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। वृद्ध ने कहा, साईं सुखी रखे। कोकिला बहन ने कहा, महाराज सुख किस्मत में नहीं है, और अपने दुखी जीवन का वर्णन किया। महाराज ने श्री साईं के व्रत के बारे में बताया, 9 गुरुवार फल आहार या एक समय भोजन करना, हो सके तो बेटा साईं मंदिर जाना, घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार पूजा करना, साईं व्रत करना और विधि से उद्यापन करना, भूखे को भोजन देना, साईं व्रत की किताबें 5, 11, 21 अपनी शक्ति अनुसार लोगों को भेंट देना और इस तरह साईं का व्रत का फैलाव करना। साईं बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, लेकिन साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा रखनी जरूरी है। जो ऊपर दी गई विधि से व्रत और उद्यापन करेगा, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। कोकिला बहन ने भी गुरुवार का व्रत किया, 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन दिया और साथ ही पुस्तकें भेंट दी। उनके घर से झगड़े दूर हुए, घर में बहुत ही सुख शांति हो गई, जैसे महेश भाई का स्वभाव ही बदल गया हो। उनका धंधा रोजगार फिर से चालू हो गया। थोड़े समय में ही सुख समृद्धि बढ़ गई। दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन कोकिला बहन के जेठ जेठानी सूरत से आए। बातों बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, परीक्षा में फेल हो गए हैं। कोकिला बहन ने 9 गुरुवार की महिमा बताई। साईं बाबा के भक्ति से बच्चे अच्छी तरह अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना जरूरी है। साईं सबकी सहायता करते हैं, तो आइए सुनते हैं साईं बाबा की व्रत की विधि। 9 गुरुवार फल आहार करके अथवा एक समय भोजन करके यह व्रत किया जा सकता है, और 9 गुरुवार तक हो सके तो साईं मंदिर के दर्शन के लिए जाने को कहा, और यह कहा कि यह व्रत स्त्री पुरुष या बच्चे कोई भी कर सकते हैं। 9 गुरुवार साईं फोटो की पूजा करना, फूल दीपक अगरबत्ती आदि करके प्रसाद चढ़ाना चाहिए और साईं बाबा का स्मरण करके आरती करनी चाहिए। साईं व्रत कथा, साईं स्मरण और साईं चालीसा का ध्यान करना चाहिए। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन देना चाहिए। 9वें गुरुवार ये साईं व्रत की किताबें अपने सगे संबंधी अड़ोसी पड़ोसी को भेंट देना चाहिए।